मैं तो केपी से हूँ, हमारे पश्तूनों की ट्रेडिशन है जब आपका दुश्मन भी आपके घर आता है ना, आप पे लाजिम होता है आपकी सकाफत आपकी कल्चर की वजह से कि आप पर्दा उसको देते हो, घर में उसको हिफाजत देते हो। ठीक, दूसरी बात, जब आपसे जिरगा वो करे, हम जिरगे करते, बड़े बड़े कत्ल होते हैं 60-70 लोगों के, हमारा पीपल पार्टी से कोई कत्ल तो नहीं है। हम तो इस बात पर नाराज़ थे कि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हटाई, उन्होंने ये धांधली वाला फॉर्म 47 इलेक्शन, 9 फरवरी का इलेक्शन था उसको फैसिलिटेट करने के लिए, फिर उन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको $32 अरब तक भेजते थे खान साहब के टाइम में, पहले $24 अरब देते थे, वो आपके पाकिस्तान के आधा GDP संभाल रहे हैं, उन लोगों को आपने फारिग कर दिया कि जी आप पैसे तो दे बट आप वोट मत दे। तो हम तो इन चीज़ों से दुखी थे कि ठीक है आपने अपने केसेस तो झूठे माफ़ करवा दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें। फिर PDM ने 2 साल इकॉनमी मट्टी में डाल दी, अब आप देख लें बिजली कहाँ पहुँच गई है, गैस कहाँ पहुँच गई है, हर बंदा पिट रहा है। तो हम तो ये कह रहे थे कि खान को तो आपने हटा दिया, अगर आप थोड़ी से अक्ल वाले लोग होते आप उसी वक्त इलेक्शन करवा लेते, जिसने जीतना था जीतना था। उन्होंने तो मीडिया को खान के इतने खिलाफ उन दिनों में किया हुआ था, झूठी महंगाई, झूठी ये, झूठी वो, ये लोग जीत जाते, 5 साल मुस्तहकम पाकिस्तान चलता, ठीक है ना होती PTI गवर्नमेंट में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, पाकिस्तान में लोग आते, वो भी नहीं किया इन लोगों ने। हम सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट करें, अपने ख़ानदानों को फर्स्ट मत करें। तो अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो हमसे कोई बात करें, हमारी पार्टी में भी डव्स हैं, उनकी पार्टी में भी डव्स हैं, उधर भी हॉक्स हैं, हमारे हॉक्स पीछे हट जाएंगे, उनके हॉक्स पीछे हट जाएंगे, डव्स बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की अवाम की बका पर कोई समझौता, वो बेटा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, 2 साल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्ब में गुजारे। मेरा सवाल ये है कि जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान राणा सनाउल्ला पर मंशियात का मुकदमा बनाया गया था, क्या वो दुरुस्त था? बच्चे, मैं तो उसी बिल्डिंग ब्लॉक में रहती थी जहाँ राणा सना रहते थे, तो मैं तो ना ही कहूँ कुछ बेहतर है। आप सिर्फ शेरियार के रीसेंट TV शो देखिए, मोहम्मद मालिक नहीं, दूसरे मालिक साहब जो हैं नदीम मलिक के साथ जो उनका शो था, कि वो क्या कहता है कि आप उन जर्नेलों से पूछे, उन कर्नेलों से पूछे, वो जो ANF में थे, उन्होंने जिन्होंने केस बनाया, जिन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया, कहते हैं मुझसे क्यों दुश्मनी करते हैं। एक फवाद चौधरी के स्टेटमेंट देने से तो हकायक नहीं बदल जाते ना। मतलब DG जो थे वो सारा कुछ करवा रहे? नहीं, शेरियार कहते हैं उनके पास सारा सबूत है, उनके पास सब कुछ है, वो क्यों उसको झूठा करेंगे। अच्छा चलें एक और बात करती हूँ, रोजे के मुँह से हूँ ये बात अच्छी भी नहीं है। एक मिनट बच्चे ना, मैं सिर्फ आपको कम्प्लीट कर दूँ, बेशक हमारी हुकूमत ही बेटा, लेकिन अगर आपको याद है ये फैसलाबाद का जो बंदा है आबिद शेर अली, उसके वालिद ने क्या कहा था राणा सना के बारे में, बेटा वो उठा के देख लो, हमारी हुकूमत से पहले भी कहा था, ड्यूरिंग भी कहा था, बाद में कहा था। देखो बच्चे, मुझे पता है कि इस पाकिस्तान में चोरी होती है, मैं खुद जब जेल में थी तो आधी से ज़्यादा खवातीन वहाँ मनशियात में आती थी, लेकिन वो मजबूर खवातीन थी, 30-40 हज़ार रुपये के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती, 27 साल की सज़ा मोल लेती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में आपका ANF का इदारा कह रहा है कि एक बंदे ने चोरी की है, चाहे वो MNA हो, चाहे वो सेनेटर, चाहे MP हो, चाहे मैं करूँ, खुदा ना खास्ता, क्या इसका ये मतलब है कि आप अब MNAs MPs को ये भी करने देंगे? ANF ने उस पर केस बनाया, ANF ने उसको प्रोसिक्यूट किया और शामत आ गई शेरियार की। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान, जो खान साहब कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, कि मालदारों का एक कानून है, गरीबों का दूसरा है, ये गलत बात है। अगर तहरीके इंसाफ दोबारा इक्तदार में आती है तो क्या अपनी जो माजी में की हुई गलतियाँ तो नहीं दोहराएगी? अभी उनसे सबक हासिल किया है तहरीके इंसाफ की क़यादत ने? बच्चे देखें, इंसान चाहे वो खान साहब हो चाहे वो हम सब गलतियों के पुतले हैं, इसलिए तो अल्लाह कहते हैं मैं रहमान हुई हूँ माफ़ करूँगा। लेकिन आप कोई ऐसी गलती करें जो बदनीयती पे मबनी हो, आवाम के साथ दुश्मनी करें, उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। अब अरशद शरीफ की कोई माफ़ी दे सकता है? ज़िले शाह की कोई माफ़ी दे सकता है? इन चीज़ों की माफ़ी नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका का जो मॉडल था कि मुल्क टूटने से बचाना है, आपने जो खान साहब के 200 से ज़्यादा जो केस उनके राइज किए गए हैं, वो सब के सब उनके मुनाफ़त और ताकत के बोलते हैं, जिस वजह से खान के खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हुआ, खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, उसी वजह से केसेस उन पर डाले गए। पहले इसको कहते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? कि जिस तरह पाकिस्तान में ये चोर खानदान है, तो खान को या चोर बना दो, या खुदा ना खास्ता बदअमल बना दो, या पाकिस्तान से गैर मुखलिस बना दो, या पाकिस्तान से झूठा बना दो। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक इनकी चाल इनके ऊपर ही पड़ी है, क्योंकि कहते हैं ना वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन चाल चलता है। अब यह है कि खान से डील मांग रहे थे कि बाकी जिस तरह भाग जाते थे हमारे भगोड़े टाइप लंदन, तो ये कह रहे हैं कि लंदन चले जाओ। खान साहब क्यों लंदन गए? उनका काम क्या है वहाँ पर? उनका घर यहाँ, उनका घर बार यहाँ, उनके मतलब बच्चे उनके बारे में शुक्र जवान हो गए हैं। सो ये जो सारा आप देख रहे हैं ना, चाहे तोशा खाना केस हो, चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, चाहे साइफर केस हो, सब एक जंजीर में कड़ी है कि पाकिस्तान का जो सच्चा मुजाहिद, सच्चा बेटा है, वो परफेक्ट नहीं है खान साहब, वो मेरी और आपकी तरह इंसान है, गलतियों का पुतला है, हम सब करेंगे।
वो एक हफ्ते में डिसाइड होता है और वो डिसाइड होता है 6 महीने में, 6 महीने दोनों नज़र बंद थे। तो देखिए अभी तो जजेस ने भी बोल दिया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बेचारे जब जजान को इंसाफ नहीं मिलता वो इंसाफ पे आवाज़ उठाते हैं, उनको अगले दिन थ्रेटनिंग खाता आ जाते हैं। तो आप ख़ुद बताओ कि इस पाकिस्तान में कौन महफूज है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब बरी होके आएँ, हमें उनको किसी सब जेल में नहीं भेजना, कहीं नहीं निकालना, उनको बरी करना है तमाम केसेस में। लेकिन खान साहब वो एक अजीब हस्ती है, क्योंकि मेरे तो बॉस है, देखिए मैं तो उनकी तारीफ़ करूँगी, हम जब उनसे कहते हैं खान साहब हमें आपकी फ़िक्र है, वो हंस देते हैं, क्या कहते हैं मेरा मुल्क सलामत रहे मैं ठीक हूँ। सो उनसे हमें इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी हमें ताकत मिलती है। कल रेहाना डार साहिबा से मखदूम शहाबुद्दीन के घर में मुलाकात हुई, वो भी ये बात करती हैं, कहती हैं हम उम्मत मुहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती हैं हम किससे डरेंगे। सो देखें ये बातें जब होती है ना, ये ऊंच नीच होती रहेगी, इस पर फिक्र ना करें। अगला सवाल कोई है? अच्छा मैडम ये बता दें कि अब तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कैदी नंबर 804 की जो आज़ादी की आवाज़ें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाने लगी है सेनेट पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों का कोई वो इस तरह की बातचीत हो चुकी है कि नेक्स्ट कोई प्लान है आप दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? देखिए